हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी ऑनलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि कैसे स्ट्रेटेजी CHSL की किया जाए। देखिए, ऐसे तो आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में अभी, कैसे तैयारी, आप पहली बार है तो कैसे तैयारी करेंगे, आप पहले से एग्ज़ाम दे रहे हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए, मेरा जो मानना है कि आप ठीक से पढ़ाई करेंगे, दिन में 5-6 घंटे अगर देंगे तो आप आराम से एक अच्छा रैंक कर सकते हैं CHSL में भी, ठीक है, Tier 1 में। तो देखिए, पहले मैं शुरू करता हूँ GK से। तो देखिए, GK के लिए क्या वो है, GK के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, देखिए, लूसेंट के जो पीला रंग का जो जनरल नॉलेज का जो बुक होता है इसको, ठीक है। इसका क्या कारण है, देखिए, इसमें आपको पूरा सारा जो टॉपिक है पूरा मिल जाएगा। इसमें क्या नहीं है इसमें बताइए भाई, एक चीज़ बोल दीजिए जो इसमें नहीं है। देखिए, इसका टॉपिक देखिए कितना है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, फिजिक्स है, मतलब सारा कुछ इसमें डाल दिया है, कंप्यूटर, ठीक है, पूरा। और इतना मतलब इससे बाहर से कुछ क्वेश्चन, ये अगर आप बुक ठीक से पढ़ लेंगे तो इससे बाहर से कुछ आने का संभावना मतलब ना के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका GK का। तो GK अगर आप यहाँ से कर लेंगे तो कैसा, देखिए, क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप ये किरण का जनरल अवेयरनेस सॉल्व पेपर, जैसे 600 वाला जो है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाया, वो भी अब ऊपर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, इसमें पूरा आपको क्वेश्चन वाइज मिलेगा, क्वेश्चन वाइज आपको हर एक चैप्टर का मिलेगा। मतलब यहाँ से आप पढ़ लेंगे एक बार, ठीक है, इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और इससे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इससे बाहर से कुछ आएगा नहीं। और GK में और जो एक टॉपिक आता है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे बच्चों का क्या है, एक डर है, ठीक है, कि करंट अफेयर्स अरे याद नहीं रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। तो देखिए, मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा ऐसे नोटबुक लिया, ठीक है, और नोटबुक में देखिए, नोटबुक में मैंने क्या किया, पहले आप एक किसी भी मैगज़ीन का एक, मतलब हर दिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर दिन मत कीजिए, एक अलग सा टाइम मत दीजिए, ठीक है। आप 1 से 10 तारीख, हर महीने का 1 से 10 तारीख उठा लीजिए, उस टाइम में एक अलग से रूटीन बनाइए, 1 घंटा दीजिए उसमें, 1 से 10 तारीख तक आपका पूरा का पूरा ये, और ये नोट करते रहिए, ठीक है। जो मैगज़ीन आपको मिलेगा, मैगज़ीन में बहुत सारा ऐसा है ना कि बैंक के लिए है और हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए भी है, तो वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप वहाँ से मैगज़ीन से उठाइए, और मैगज़ीन उठाने के बाद आप एक अलग अलग टॉपिक का ले लीजिए, बुक्स एंड ऑथर्स वाला कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, और ये अवार्ड वाला कीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको या और नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल उतना खास नहीं है पर नेशनल आपको करना ही है, ठीक है। तो ऐसा ये स्पोर्ट्स का, इंडिया एंड वर्ल्ड का ऐसा आप टॉपिक बना लीजिए, डिफेंस का, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो GK क्लियर हो गया, GK उतना कुछ खास नहीं है आपको, मतलब ये देखिए एक खास सब्जेक्ट है तो आपको कॉमन मिलना भी, अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो कॉमन मिल जाएगा आपको, ठीक है। लाख भी चलता है इसमें, तो बाद की बात है, आप पहले पढ़ाई कीजिए ठीक से ये दोनों बुक से, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। फिर देखिए, मैथमेटिक्स में आते हैं, मैथमेटिक्स में देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप SSC मैथमेटिक्स जो राकेश यादव का 7300+ वाला जो है ये आप ले सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप RS अग्रवाल का जो बुक है, RS अग्रवाल का बुक से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक करने से पहले आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आपके पास अभी बहुत टाइम है, 3 महीना टाइम है अभी, ठीक है, 3 से 3 महीना टाइम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए पहले, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ये 7300 वाला बुक लीजिए, ठीक है। और 7300 वाला बुक में देखिए, देखिए पूरा का पूरा इसमें क्या है, पूरा शॉर्ट ट्रिक है, 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1 मिनट नहीं, देखिए मैंने ये साइड में नोट कर लिया कि कितना क्वेश्चन है एक एक चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए कितना सारा क्वेश्चन है, ठीक है, सारा का सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। देखिए कितना नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, 347 नंबर, 385 नंबर, 217 नंबर, 137 नंबर, ऐसा है, ठीक है। तो बहुत मतलब बढ़िया बुक है ये, इसको आप 2-3 बार अगर कंप्लीट कर लिया ना तो CGL में तो आप छप्पर फाड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए,
मैथमेटिक्स का हो गया, बहुत अच्छा बुक है। अगर आपका आर एस अग्रवाल का बुक क्लियर हो जाए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, फिर आप लेना इसको, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इंग्लिश का। देखिए इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का ग्रामर के लिए, देखिए इंग्लिश का ग्रामर के लिए जो नीतू सिंह का बुक है, ये सभी लोग रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ख़ास बात क्या है, है ना। तो ख़ास बात देखिए इसमें क्या है, ख़ास बात है देखिए इसका जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है, ग्रामेटिकल पोर्शन ही ज़्यादा है। तो ग्रामेटिकल पोर्शन इसमें बहुत मतलब अच्छे तरह से समझाया गया है इसमें, ठीक है। मतलब कोई इंग्लिश मतलब कुछ भी पता नहीं है उसको, तो भी इसको याद हो जाएगा इसमें ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। और बहुत सारा इसमें मतलब देखिए कितना आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए भी बहुत क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है। बहुत अच्छा बुक है ये, ओके। उसके बाद देख लीजिए क्या है, उसके बाद देखिए लास्ट में आपको वोकैबुलरी भी मिल जाएगा, ठीक है। वोकैबुलरी तैयार करने से मिल जाएगी, इससे आप मतलब 50% कवर कर लेंगे इसमें वोकैबुलरी का, ठीक है। और एक वोकैबुलरी का बुक मेरे पास नहीं है, मेरे पास पीडीएफ है। तो पीडीएफ का कौन सा बुक है, देखिए पीडीएफ का बुक है ये जो ए के सिंह का एक आता है, ठीक है। ए के सिंह का एमबी पब्लिकेशन का होता है, तो एमबी पब्लिकेशन का वो जो ए के सिंह का बुक है वो भी वोकैबुलरी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। वो 133 सेट है, तो वो आप बाद में कंप्लीट कीजिएगा, पहले आप नीतू सिंह का बुक पढ़ लीजिए, उसके बाद करना, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग क्या है, देखिए रीजनिंग ये बुक तो मैंने रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को, पर ये मैंने ख़रीद लिया, ठीक है। पर क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो पहली बार दे रहा है, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है बुक, ठीक है। मतलब कुछ नहीं है, मतलब कितना मोटा है देखिए बुक, बुक बहुत अच्छा है, पर ये मतलब ख़त्म करने के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर तो सभी कवर है इसमें, देखिए इसमें नॉन वर्बल भी है, ठीक है, और इसमें देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी है, और लॉजिकल डिडक्शन जो है, लॉजिक आर्गूमेंट स्टेटमेंट एजम्पशन सब कुछ है इसमें। मतलब पूरा बैंक और एसएससी पूरा क्लियर हो जाएगा इसमें से, ठीक है। और एक आप काम कीजिएगा मेरे जैसा, देखिए इतना छोटा सा, इतना सा था एक मतलब नोटबुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। और इस नोटबुक में क्या कीजिएगा, एक एक इडियम फ्रेज, ठीक है, एक एक इडियम फ्रेज का एक बना लीजिए, और वन ऑन सब्स्टिट्यूशन का एक बना लीजिए, ठीक है। तो एक 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 मैं पीडीएफ दे दूंगा एक, ठीक है, पीडीएफ का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। तो ये पीडीएफ का, पीडीएफ से उठा के मतलब पुराने साल का होगा सब कुछ, ठीक है। तो पुराने साल का एक 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 आप इसमें लिखते जाइए, और इतने इसमें से आपको 1500 मतलब 1300 के आसपास जितने भी इडियम फ्रेज होता है, ठीक है, 800-900 के आसपास जो पीबीएसईआर के क्वेश्चन में है, ठीक है, और कुछ 500 इधर उधर से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया, और आप नोट बनाते रहिए, ठीक है। नोट आप जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा सब कुछ, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर मन चाहे तो, अगर मन नहीं चाहता है तो नहीं कीजिए, ठीक है, पूरा आपके ऊपर है, मैं किसी के ऊपर जोर नहीं डालूँगा, ठीक है। चलिए नमस्ते, जय हिंद।